हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीठा सफ़र। तो आज मैं आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाने जा रही हूँ और एज अ हेल्प के तौर भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। और जनरल वो सबकी रिक्वायर्ड होती है, हर लेडीज़ की वो रिक्वायर्ड होती है। तो मुझे भाभी ने बुलाया कि मोना आप आ जाओ नीचे, और वो जो स्ट्रीट में जो सूट्स बेचते हैं अपने वो पूरा कंधे पर उठा के ढेर सारा, तो वो पीसेज हैं, मतलब सूट के पीसेज हैं। तो आप आके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लो। तो मुझे लगा क्यों ना मैं जाऊँ नीचे। जब मैं नीचे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, मैं इनका व्लॉग बनाती हूँ, तो बस तो चलिए मैं उनका व्लॉग बनाती हूँ और आपको पूरा दिखाती हूँ। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप ज़रूर उनको बुला के, वो दिल्ली में कहीं भी आ सकते हैं, आप उनको बुला के उनसे सूट के कपड़े ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए नीचे चलती हूँ। ले ले मोना। कौन सा, ये वाला? हाँ, पूरा सूट है कंप्लीट ना, 500 का बोल रहे हैं ना? हाँ, पूरा। हाँ, एक मैंने और देखा था, एक मैंने और देखा था, ये वाला भी बोल रहे थे, ये भी 500 का बोल रहे थे। हमने तीन लिए थे। अरे 150, ये भी 500 का है। और ये सब रेयॉन है, ये कॉटन है, 5 इंडिया है, 5 इंडिया वाला कॉटन। अच्छा, यही कपड़ा चाहिए? नहीं, वैसे सारे ही कपड़े इनके अच्छे, मुझे अच्छे लग रहे हैं सारे। ये भी रेयॉन है, मैंने ये निकाला था, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ना, बनने के बाद बहुत प्यारा लगे। हाँ, इसका ना सलवार सूट बड़ा अच्छा लगे। ये कैसे दिए? सब वही एक ही रेट है, ये वही 100 ना, 100 रुपए मीटर। हाँ, बोला था शुरू में आके 600 रुपए सूट। हाँ, चाहे 4 मीटर कपड़ा है या 5 मीटर। हाँ, ना तेरा ना हमारा। हाँ, ने लगा दिया 500 रुपए। हाँ, तो ठीक है ना, 500 रुपए में। नहीं, वो तो महंगा था। अरे महंगा नहीं, कपड़ा किसी लायक नहीं निकला। अभी तो मैंने घर बनवाया भी नहीं वो कपड़ा। कहाँ से आते हो भैया आप? मुनीर का से आते हो? कब कब आते हो? आ जाता हूँ, तीसरे दिन आ जाता हूँ, जब टाइम मिलता जी नहीं तब आ जाता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रेयॉन्स भी हैं और कॉटन भी है ना? कॉटन, हैंडलूम अभी खत्म हो गया। अच्छा, अभी हैंडलूम का खत्म हो गया है, दो एक पीस बची है हैंडलूम। अच्छा, ये भी अच्छा लग रहा है जो भाभी आपने खोला है ना, ये कॉटन का, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये मुझे लग रहा है प्योर कॉटन है। सब जो दीदी कॉटन बताई जाएगी वो कॉटन। अच्छा, जो रेयॉन इसमें से हाफ लेने तो आप इसमें आप थोड़ा हटा हटा के दिखाना भैया, कौन सा क्या है मुझे दिखाना। ये भी मुझे अच्छा लगा, ये वाला बहुत सुंदर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाला बहुत सुंदर खिलने वाला। हाँ, वो ब्लैक वाला तो है, ब्लैक कलर तो जहाँ। नहीं नहीं, काफी है इनके पास, काफी वैरायटी है। हाँ, ये भी रेयॉन। हाँ, ये रेयॉन। हाँ, ये कॉटन, ये कॉटन है, ये कॉटन है कि रेयॉन है? ये कॉटन है। अच्छा, ये रेयॉन। अच्छा, हाँ जी, हटा दूँ? हाँ जी, अच्छा हटा दीजिए। ये कॉटन। हाँ, ये भी कॉटन। हाँ, कॉटन। हाँ, ये रेयॉन। हाँ, ये भी रेयॉन। गुड, काफी वैरायटी है आपके पास। हाँ, और सबकी वैरायटी भी अच्छी है और प्रिंट बहुत अच्छे हैं, मेन प्रिंट, मेन प्रिंट का है। ये भी अच्छा लग रहा है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ये क्या है? ये रेयॉन है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये भी अच्छा। अच्छा, ये हैंडलूम का है? हाँ, ये टेशर कॉटन कहलाती है। अच्छा, ये टेशर कॉटन कैसा होता है, जब देखो एक बार, बट ये बनने के बाद थोड़ा वो खड़ा रहेगा ना। हाँ, तो वो नहीं चाहिए ना, उस टाइप में नहीं। हाँ, ये कॉटन। हाँ, ये रेयॉन। हाँ, ये रेयॉन। हाँ, वो कॉटन है। हाँ, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना आंटी, ये वाला ना कॉटन। हाँ, ये इक्कत कहलाता है, छोटा छोटा। अच्छा, बाकी इक्कत बड़ा भी आता है। ये कितना प्यारा लग रहा है, पिंक वाला। पिंक वाला, हाँ, कलर हाँ, ही कितना सुंदर, कलर ही बहुत प्यारा है। कॉटन, रेयॉन वाले सारे रंग कॉटन। ये देखो दीदी, हल्की कॉटन। अच्छा, ये जाती है, लटक जाती है। अच्छा, ये अच्छे, जैसे छोटी सी कोई छोटी सी कोई लड़की हो उसको फ्रॉक के लिए ना, कितनी प्यारी लगे लड़कियों के ऊपर ना। हाँ हाँ, ओ अच्छा, ये हल्का कॉटन होगा। अच्छा, रेयॉन का क्या प्राइस है और कॉटन का क्या प्राइस है? हाँ, दोनों का एक ही रेट है, तब तो ठीक है। रेट तो सही है, रेट बिल्कुल सही है।
आ जाइए ठीक है। और मतलब जैसे कोई आपको कहीं भी बुलाए आप चले जाएंगे ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे देना उसमें मेंशन कर दूंगी मैं, तो आपका मैं ये व्लॉग बनाती हूँ तो मैं उसमें डाल दूंगी यूट्यूब में ठीक है, तो आपको जो बुलाएगा फिर आप जा सकते हो ना वहाँ पर ठीक है। ठीक है आपका नाम क्या भैया? ओके आप कहाँ से आते हो भैया? मुनेर का ठीक है। तो मैं अभी दोबारा आएगा, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके सारे, वैसे प्रिंट सारे ही अच्छे हैं, अच्छे ही एक भी काटने वाला नहीं, नहीं कोई भी काटने वाला प्रिंट नहीं है। इसका कपड़ा भी अच्छा है, जो वीरवार वाले हैं इसका कपड़ा। हाँ वीरवार वाले के रेट तो देखो, उनके रेट ज्यादा हैं और इनके रेट बिल्कुल ठीक हैं, तभी तो मैं आई, मैंने कहा मैं बनाती हूँ व्लॉग बना लेती हूँ, मैं ले रही हूँ तो मैं बना लेती हूँ, नहीं मुझे अच्छे लगे सारे। ये भी बहुत प्यारा है, इसका पटियाला बन के अच्छा लगेगा ना, इसका अगर पटियाला बनवाएंगे हम लोग, फुल बाजू का जो बनता है, हाँ फुल बाजू का जो बनेगा वो बहुत प्यारा बनेगा इसका। ये भी अच्छा लग रहा है भाभी, ग्रीन, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है ग्रीन कलर का, हाँ कुर्ता बनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा ये, हाँ छोड़ दो दीदी, हाँ जो वो है वहाँ पटा दो, ये देख रहे हो आप ऐसे फैला पड़ा निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो निकल जाएगा वरना छोड़ दो आप। हाँ मेरा तो ये मन था लेने का, वो नहीं मुझे पूरा पसंद आया, यही ठीक लग रहा है इसका ना, वो पटियाला बना के, हाँ हाँ ये मुझे अच्छा लगा सिर्फ, बाकी तो खैर इनके सारे ही अच्छे हैं नो डाउट, कोई भी ऐसा मना करने वाला नहीं। आपने ये वाला लिया है आंटी, आपने भी कंप्लीट सेट लिया है आंटी? नहीं ये मैंने कमीज, सिर्फ कमीज के लिए ना, पीछे मैंने सिर्फ कमीज के लिए थे उनसे और बाकी तो खैर नहीं लिए। कपड़ा नहीं सही है ना, वो खुद ही बोल रहे हैं कपड़ा नहीं सही है, तो फिर क्या फायदा जब कपड़ा नहीं सही है। नमस्ते आंटी, बेचने के लिए, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, मेन भरोसे का ही होता है भैया, और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना सारा लेके घूम रहे हैं वो भी तो मेन है ना, वो भी वो कुर्तियां रखी हुई है ना, कौन सा रानी कलर तो सुंदर लग रहा है, अच्छा ना लगे बना बनाया बाबू, कॉटन में पहनती नहीं हो ना, अरे मेरा बेटा एक बार पहन के दे ये अच्छा लगा मुझे, बट इसके नीचे क्या पहनोगी? हाँ ये प्रॉपर पूरे होंगे मीटर में कि कुछ? हाँ पूरा कपड़ा होगा, अच्छा क्योंकि अगर दीदी आसान है, अगर इतना भी हम बचा के हमारे बेकार बेकार है क्या भाई, हम तो 5 मीटर का पैसा दे के आ रहे हैं, अब बाकी ये जैसे इस्तेमाल थोड़ा बहुत भी अगर जैसे जैसे आदमी लोहे की स्केल से नाप के खींच के नाप, नहीं नहीं सही है सही है, ठीक लगेगा किरण लोग के लिए, हाँ नहीं ठीक लगेगा आंटी। आप लोग आंटी कैसी लग रही है? अच्छे हैं कुर्ते तो, कॉटन नहीं नहीं कह रहे हैं सिकुड़ने वाला नहीं है, हाँ ये भी हो गया वो भी हो गया, 1 मीटर में नहीं बनेगा, शॉर्ट कुर्ती भी तुम्हें कम से कम 2 मीटर चाहिए, हाँ 2 मीटर ही चाहिए, 2 मीटर में ही शॉर्ट, हाँ अभी 2 मीटर में ही बनेगी, हाँ भैया डेढ़ का अर्जे तो कितना, हाँ भाई मैं कह रही हूँ ना 2 मीटर के बिना तो कहाँ, 2 मीटर के बिना काम नहीं बनेगा, 100 रुपये मीटर आंटी, 100 रुपये मीटर ठीक है, ये मैंने लिया नहीं ये बनवाएंगी, हाँ हमारा दोनों का आ जाता है ना,
ये भी अच्छा लग रहा है। रियॉन में थोड़ी एक प्लस पॉइंट होती कि वो टाइट नहीं होता है, वो धोने के बाद श्रिंक नहीं करता है, कॉटन थोड़ा श्रिंक करता है। कॉटन दीदी आप कॉटन भी दोगी हमसे ना तो अच्छा नहीं करेगा। चलो ठीक है भैया। अच्छा वो क्या कुर्ते भी रखे हैं आपने? विच चुन्नी एक दिखाना, सूट भी दिखा दो जरा, ताकि अगर कभी हो तो कोई लेना चाहे आपसे। अच्छा ये भी कपड़ा होगा, इनका क्या प्राइस है? 1050। सही है, ठीक है। कॉटन होगा प्योर ना? हैं? देख लो। अच्छे हैं वैसे लगे। सारे कलर ले लो, थर्सडे के, फ्राइडे के, मंडे के, सारे कलर ले लो और फिर जब कुछ हो तो मंडे और उसमें पहन के घूमो। नहीं नहीं ये वाला वो कह रहे हैं कि सही कपड़ा, नहीं, कपड़ा सही नहीं है। मैं देखती हूं कपड़ा कैसा था, मैं ये खे वो लटक जाएगा। मुझे मैं भी मुझे अच्छा लगा था इनका कपड़ा, बेकार है पर वो भी अच्छा लग रहा है आंटी, उसका प्रिंट अच्छा है। हाँ उसका प्रिंट अच्छा है। फ्रेंड्स ये है 5 मीटर की कुर्ती और सलवार के नीचे की, और ये सिर्फ कुर्ती है क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट सेट चाहिए था तो मैंने ये कंप्लीट लिया और ये सिर्फ मुझे कुर्ती चाहिए थी। फ्रेंड्स पहले भी मैंने ये कुर्तियाँ ली थी और पहले भी एक आए थे स्ट्रीट में ऐसे ही बेचते हुए, उनका वो ठेले पे आए थे और जो अभी आए थे वो बेचारे अपने कंधों पे टांग के लेके आए थे, तो पहले भी मैंने उनसे कुर्तियाँ ली थी बट इनके रेट थोड़े से उनसे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं इनके रेट नहीं कह सकती बट इनकी भी कुर्तियाँ मुझे अच्छी लगी थी। जैसे कि उन्होंने ये मुझे दिया था 150 रुपये मीटर, ये 150 रुपये मीटर था तो मैंने 2 मीटर का, 2.5 मीटर ये मैंने कुर्ती ली थी क्योंकि जनरली क्या होता है ना बाजू हम लोग थर्ड फोर्थ के बनवाते हैं ना, तो उस वजह से थोड़ी सी बड़ी लेना ज़्यादा बेटर होता है, तो एक कुर्ती मैंने ये ली थी। ये कुर्ती उन्होंने मुझे 120 रुपये मीटर दी थी ये वाली कुर्ती, और ये भी कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही प्यारी। एक तो येलो कलर वैसे ही मेरा बहुत फेवरेट कलर है और मेरे साईं का कलर है तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। और एक कुर्ती मैंने ये ली थी, ये भी मैंने 2.5 मीटर ली थी क्योंकि कुर्ती के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाजू मुझे प्रॉपर चाहिए थी इसलिए मैंने 2.5 मीटर कुर्ती ली थी। और ये भी कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, इसका प्रिंट बहुत, और ये रेयॉन है तो रेयॉन में क्या जनरली ये होता है कि रेयॉन आप अगर वॉश करते हो तो वॉश करने के बाद ये सिकुड़ता नहीं है और सही रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा, इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सबसे प्यारी मुझे कुर्ती लगी क्योंकि ये मैंने कुर्ती शॉर्ट कुर्ती के अकॉर्डिंग ली है ताकि मैं शॉर्ट बनवा सकूँ, इसके नीचे मैं स्ट्रेट पैंट, वाइट स्ट्रेट पैंट डाल सकूँ या जीन्स डाल सकूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये शॉर्ट कुर्ती ली है। ये भी मैंने 2.5 मीटर ली है, बाजू के अकॉर्डिंग ली है। ये भी मुझे उन्होंने 150 रुपये मीटर दी थी क्योंकि इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। तो पहले भी मतलब कहने का मतलब जो मैंने आपको पहले कुर्तियाँ दिखाई थी, जैसे ये वाली कुर्तियाँ, ये जो कुर्तियाँ हैं ये मैंने अभी ली है, और वो वाली कुर्तियाँ मैंने पहले ले रखी थी, आज मुझे लेना नहीं था बट वो बेचारे मुझे बड़े अजीब से लग रहे थे, मुझे लगा नहीं नहीं किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है और सबको करनी चाहिए मदद, बहुत महंगा नहीं था। तो ये देखिए पूरा फुल खोल के, जब मैंने इसको पूरा फुल खोला, पूरा खोलना बेटा, जब मैंने इसको पूरा खोला मुझे इतना सुंदर, ये देखिए कितना प्यारा ऑल ओवर प्रिंट है, कितना प्यारा प्रिंट लग रहा है, तो मुझे ये प्रिंट बहुत अच्छा लगा। वैसे ही मुझे इसका भी प्रिंट बहुत अच्छा लगा, ये भी प्रिंट बहुत प्यारा है क्योंकि जब ये पूरा बनेगा ना ये वाला बहुत अच्छा लगेगा। वो तो मेरी वैसे ही अभी तक कुर्तियाँ रखी हैं, मैंने उनको बनवाई भी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये कुर्तियाँ जब मेरी बन जाएंगी तो मैं एक एक करके आपको पहन के दिखाऊंगी कि ये कुर्तियाँ कैसी लगी। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जो स्ट्रीट्स में आते हैं, जो बेचते हैं, प्लीज़ आप उनकी मदद करें क्योंकि वो मुझे बेटर लगा, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने उसको मेजरमेंट भी किया, इस वाले को पूरा मेजर किया तो ये पूरा 5 मीटर निकला, और क्योंकि जनरली क्या होता है ना लोग दे जाते हैं और फिर वो 5 मीटर निकलता नहीं है तो फिर बड़ा अफसोस होता है कि हाय मैंने क्यों ले लिया, बट मुझे वो बंदा बहुत अच्छा लगा तो मुझे लगा कि उसका व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो स्ट्रीट वाले होते हैं जो बेचारे इतना ढेर सारा सामान लेकर चलते हैं तो उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए ताकि उनकी मदद हो जाए, उनका परिवार अच्छे से चल पाए। तो हम, मैंने और बहुत से लोगों ने यहाँ पे अड़ोस पड़ोस आंटी लोगों ने भी
काफी उनसे कुर्तियों का कपड़ा खरीदा और उनके वो खुद ही बोल रहे थे कि हमारे सेट के सेट बिकते हैं, जैसे ऐसे कंप्लीट, जैसे उन्होंने बताया कंप्लीट सेट नीचे ऊपर का ही कहते हैं, कंप्लीट सेट बिकते हैं, कुर्तियों का ऊपर कम लेते हैं। जैसे क्योंकि मैंने ये कुर्ती का लिया है और ये मुझे इतना प्यारा प्रिंट लग रहा था, बहुत ही प्यारा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कितना प्यारा प्रिंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ऊपर का ले लिया और नीचे का जनरली सबके पास वाइट ब्लैक रेड सबके पास नीचे की पैजामी होती है, स्ट्रेट पैंट्स होते हैं, तो आप उसके साथ उसको यूज कर सकते हो। तो बस वही मैंने किया और एक तो सबसे चीप बहुत ही सस्ता 100 रुपीज मीटर, तो 100 रुपए तो आज के कुछ है ही नहीं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग सोचो तो कुछ भी नहीं है। तो 100 रुपए मीटर के अकॉर्डिंग तो आप कई सारे ढेर सारे कुर्ते ले सकते हो। और एक प्लस पॉइंट है, मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं आपका ये व्लॉग बनाती हूँ और मैं आपका नंबर मेंशन करती हूँ, आपको दिल्ली में कोई भी कहीं भी बुलाएगा आप जाओगे? तो उन्होंने बोला मैं कहीं भी जाऊँगा, कोई भी मुझे बुलाएगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। तो मैं उनका नंबर मेंशन कर दूँगी इस व्लॉग में, और अगर आपको बुलाना हो तो आप उनको बुलाइए और उनसे, उनके पास कॉटन के रेयन के कंप्लीट सेट भी थे सूट के, तो आप वो भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मदद करना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। तो चलिए, और आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, क्योंकि एज अ ये लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग है कि अगर उनको चाहिए कुर्तियाँ या सेट कंप्लीट सेट तो वो ले सकते हैं और इकोनॉमिक भी है। तो आप इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन तो ज़रूर दबाइएगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे कि ताकि मैं आगे ब्लॉग्स बना सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।